अय्यूब पांचवा बाब। जरा पुकार, क्या कोई है जो तुझे जवाब देगा, और मुकद्दसों में से तू किसकी तरफ फिरेगा? क्योंकि कुढ़ाना बेवकूफ को मार डालता है, और जलन अहमक की जान ले लेती है। मैंने बेवकूफ को जड़ पकड़ते देखा है, पर नागहान उसके मस्कन पर लानत की। उसके बाल बच्चे सलामती से दूर हैं, वो फाटक ही पर कुचले जाते हैं, और कोई नहीं जो उन्हें छुड़ाए। भूखा उसकी फसल को खाता है, बल्कि उसे कांटों में से भी निकाल लेता है, और प्यासा उसके माल को निगल जाता है, क्योंकि मुसीबत मिट्टी में से नहीं उगती, ना दुख जमीन में से निकलता है। पर जैसे चंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। लेकिन मैं तो खुदा ही का तालिब रहूंगा, और अपना मुआमला खुदा ही पर छोड़ूंगा, जो ऐसे बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजीब काम करता है। वही जमीन पर मी बरसाता और खेतों में पानी भेजता है। इसी तरह वो फरोतनों को ऊंची जगह पर बिठाता है, और मातम करने वाले सलामती की सरफराजी पाते हैं। वो अय्यारों की तदबीरों को बातल कर देता है, यहां तक कि उनके हाथ उनके मकसूद को पूरे नहीं कर सकते। वो होशियारों को उन्हीं की चालाकियों में फांसता है, और टेढ़े लोगों की मशवरत जल्द जाती रहती है। उन्हें दिन दहाड़े अंधेरे से पाला पड़ता है, और वो दोपहर के वक्त ऐसे टटोलते फिरते हैं जैसे रात को। लेकिन मुफलिस को उनके मुंह की तलवार और जबरदस्त के हाथ से वो बचा लेता है। सो मस्कीन को उम्मीद रहती है, और बदकारी अपना मुंह बंद कर लेती है। देख, वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है खुशकिस्मत है, इसलिए कादरे मुतलिक की तादीब को हकीर ना जान, क्योंकि वो ही मजरू करता और पट्टी बांधता है, वो ही जख्मी करता और उसी के हाथ चंगा करते हैं। वो तुझे छह मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि सात में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। काल में वो तुझको मौत से बचाएगा, और लड़ाई में तलवार की धार से। तू जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा, और जब हलाकत आएगी तो तुझे डर नहीं लगेगा। तू हलाकत और खुश्क साली पर हंसेगा, और जमीन के दरिंदों से तुझे कुछ खौफ ना होगा। मैदान के पत्थरों के साथ तेरा एका होगा, और जंगली दरिंदे तुझसे मेल रखेंगे, और तू जानेगा कि तेरा डेरा महफूज है, और तू अपने मस्कन में जाएगा, और कोई चीज गायब ना पाएगा। तुझे ये भी मालूम होगा कि तेरी नस्ल बड़ी और तेरी औलाद जमीन की घास की मानिंद बरोमंद होगी। तू पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा, जैसे अनाज के पूले अपने वक्त पर जमा किए जाते हैं। देख, हमने इसकी तहकीक की, और ये बात यूं ही है। इसे सुन ले, और अपने फायदा के लिए इसे याद रख।